ब्रिटेन का नाम रोमन गॉड ऑफ वेल्थ एंड एग्रीकल्चर के नाम पर है, जो सोलर सिस्टम का सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है और जुपिटर के बाद सिक्स्थ नंबर पर आता है। सैटर्न मोस्टली गैसेस से बना है जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम सबसे ज़्यादा हैं। सैटर्न की डेंसिटी सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट से कम है। ये इतनी कम है कि सैटर्न को अगर पानी में डाला जाए तो वो तैरने लगेगा। गैलीलियो गैलीलेई ने ईयर 1610 में सैटर्न रिंग्स की फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ली थी। सैटर्न के चारों तरफ ब्यूटीफुल रिंग्स घूमते हैं। ये आइस, डस्ट और रॉक के टुकड़े हैं जो एक छोटे रेत के कण से लेके किलोमीटर तक बड़े हैं। सैटर्न 29.4 ईयर्स में बहुत ही धीमे सन का एक चक्कर लगाता है, जबकि अपने एक्सिस पर यह सिर्फ 10 आवर्स 14 मिनट्स में रोटेट हो जाता है। सैटर्न के पास सबसे ज़्यादा चांद हैं। 82 मून्स के साथ इसने जुपिटर को पीछे छोड़ दिया है। जुपिटर के 79 मून्स हैं। सैटर्न का सबसे बड़ा मून टाइटन है, जो सोलर सिस्टम का सेकंड लार्जेस्ट मून है। अर्थ से सैटर्न पर 4 स्पेसक्राफ्ट्स नासा ने भेजे हैं, 1979 में पायनियर 11, 1980 में वॉयजर 1, 1981 में वॉयजर 2 और 2004 में कसिनी हुगेंस स्पेसक्राफ्ट सैटर्न की इंटेंसिव स्टडी के लिए भेजा गया और उसने कई मिस्ट्रीज को सॉल्व किया। अर्थ की इस इमेज को वॉयजर 1 ने सैटर्न के पास से क्लिक किया था और इस इमेज को कसिनी ने सैटर्न के ऑर्बिट से क्लिक किया था, जिसमें अर्थ एक डॉट नज़र आती है जिसे पेल ब्लू डॉट कहा गया। सैटर्न के नाम पर वीकेंड का पहला दिन सैटरडे है। आपका वीकेंड पर क्या प्लान है?